हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी लैड हरियाणा। मैं हूं आपका साथी गौरव। यदि आप भी अभी भी बेरोजगार हैं और यदि आपने 10वीं 12वीं बीए ग्रेजुएशन एलएलबी कोई भी क्वालिफिकेशन आपके साथ है, उसी के साथ आपके लिए तीन बड़ी भर्ती आ चुकी हैं। अप्रैल माह में तीन बड़ी भर्तियों को विज्ञप्ति के साथ फॉर्म भी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका नौकरी पाने का। तीन बड़ी भर्तियों के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। डिटेल से जानने के लिए कि कौन कौन सी भर्तियां हैं, कौन कौन से फॉर्म हैं, क्या लास्ट डेट है, किस प्रकार से क्वालिफिकेशन के अनुसार कौन कौन सी पद आपके योग्यता के अनुसार भरने हैं, डिटेल से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हर जॉब से अलर्ट, आप हर एजुकेशन से अलर्ट, न्यूज नोटिफिकेशन आप तक समय रहते सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य साथियों का भी फॉर्म भरने का जो मौका है वो मिल सके, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को आखिर तक देखें। तो दोस्तों, तीन जो बड़ी भर्तियां हैं उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ HSSC में। हरियाणा HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नायब तहसीलदार से लेकर फार्मासिस्ट से लेकर के अलग अलग पद हैं जो हरियाणा में भरे जा सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है उसको 17/4 है। 17 तारीख तक, अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फीस है वो भी ना के बराबर फॉर्म फीस है। डिटेल से मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें नायब तहसीलदार से लेकर के हर पद हैं। पहले इसमें डेट थी 24/3 थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 17 अप्रैल कर दिया गया है। यानी 17 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो योग्यताएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसकी एजुकेशन है, सबसे पहले नायब तहसीलदार की है, इलेक्शन नायब तहसीलदार के लिए दोस्तों जो एजुकेशन है वो ओनली बीए, बीकॉम, बीएससी या इक्विवेलेंट बीटेक कोई भी है तो ओनली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक अच्छी खासी एज है वो भी एक 17 से लेकर के 42 साल का जो एज क्राइटेरिया है वो भी अच्छा है। और एज जो पे स्केल है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये नायब तहसीलदार के लिए है। अगली पद हैं वो 21 पोस्ट हैं इलेक्शन कांगोंग के लिए हैं ये। इसमें भी दोस्तों जो एजुकेशन है वो सेम है, बीए बीकॉम है, वही एज है 17 से लेकर के 42 साल। अगली पोस्ट है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 117 पोस्ट हैं वर्क सुपरवाइजर की। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 117 पोस्ट हैं वर्क सुपरवाइजर की, जिसके लिए जो एजुकेशन है वो 10वीं के साथ साथ आप ITI होना चाहिए, बिल्डिंग मेंटेनेंस या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। इसके लिए जो एज है वो भी 17 से लेकर के 42 साल है हरियाणा में। और जो एज में छूट है, OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की जो एज है वो छूट दी गई है। अगली पद है 39 पोस्ट हैं ऑटो डीजल मैकेनिक के लिए। इसके लिए भी जो योग्यता है वो 10वीं प्लस आपकी ITI होना चाहिए मैकेनिकल डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए मांगा गया है। अगली पोस्ट है 33 पोस्ट कारपेंटर के लिए हैं। इसमें भी ITI के साथ आपको कारपेंटर होना जरूरी है, कारपेंटर का डिप्लोमा आपके जरूरी है। 4 पोस्ट प्लम्बर की हैं, इसमें भी 10वीं के साथ प्लम्बर में ITI डिप्लोमा। 9 पोस्ट हैं रिसेप्शनिस्ट टेलीफोन ऑपरेटर, इसके लिए आपको केवल 10वीं पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट या टेलीफोन ऑपरेटर का, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड कंपनी या कोई भी डिपार्टमेंट में। 1 पोस्ट है सर्वर की, इसके लिए आपको ओनली 10वीं के साथ ITI होनी चाहिए सर्वर ईयर में। 27 पोस्ट पेंटर की हैं, इसमें भी आपके 10वीं के साथ ITI में पेंटर का डिप्लोमा होना चाहिए। 23 पोस्ट मैनसून की है, इसमें भी ITI के साथ आपको मैसून बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ITI डिप्लोमा। 7 पोस्ट हैं वो मैकेनिक कम एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन के लिए हैं, इसमें भी आपको ITI प्लस 10वीं होना चाहिए। 2 पोस्ट लिफ्ट ऑपरेटर की, ITI के साथ 5 साल का आपको ओनली एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके लिए कोई डिप्लोमा नहीं है, केवल आप 10वीं पास हैं। 2 पोस्ट चार्जमैन की हैं, इसमें भी ITI और 10वीं। 10 पोस्ट इलेक्ट्रिकल में, ITI इलेक्ट्रिकल प्लस 10वीं। 115 पोस्ट इलेक्ट्रिशियन के हैं, इसमें आपको 10वीं के साथ ITI होनी चाहिए। अच्छी पोस्ट हैं, 115 पोस्ट हैं कुल पद, 115 अच्छे खासे पद हैं, इसके लिए आपको 10वीं प्लस ITI इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए। 7 पोस्ट है मैकेनिकल टूल ऑपरेटर, इसके लिए भी दोस्तों 10वीं के साथ ITI है। 11 पोस्ट है ऑटो इलेक्ट्रिशियन, इसके लिए भी 10वीं प्लस ITI। 11 पोस्ट चार्जमैन, इसमें भी ITI के साथ 10वीं।
15 पोस्ट स्टोरकीपर की हैं, इसमें केवल 10वीं है, केवल 10वीं यदि आप पास हैं तो आपके लिए ये पद हैं, केवल 10वीं के साथ आप ओनली 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए है, कोई वर्क लोड भी इसमें नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज, कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको 10वीं पास होना जरूरी है। 39 पोस्ट हैं फिटल हैवी मशीनिस्ट की, इसके लिए भी दोस्तों 10वीं के साथ ITI। 12 पोस्ट सुपरवाइजर की हैं, इसमें भी आपको 10वीं के साथ ITI होनी चाहिए। 6 पोस्ट ब्लैक स्मिथ की हैं, इसमें भी आपको 10वीं के साथ ITI या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 14 पोस्ट है वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर, इसके लिए भी आपको ITI होनी चाहिए वेल्डर या टर्नर में। चार्जमैन हैवी प्लांट के लिए भी 10वीं के साथ ITI है। 32 पोस्ट इंस्पेक्टर की हैं रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी आप ग्रेजुएशन है कोई भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स कॉमर्स बीकॉम किसी से भी, साइंस से हैं या फिर आप बीटेक हैं, इक्विवेलेंट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक अच्छी खासी पोस्ट है इंस्पेक्टर की। 5 पोस्ट है सिलेक्शन ऑफिसर के लिए, इसके लिए भी दोस्तों कॉमर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है। 2 पोस्ट सब स्टेशन जनरेटर की हैं, 4 पोस्ट ये हैं, 10 पोस्ट जूनियर मशीनिस्ट की हैं, यानी 10वीं के साथ इनके लिए आपको ITI होना जरूरी है। इसमें कुल मिलाकर के 1700 के लगभग ये पद बनते हैं जिनके लिए ये फॉर्म मांगे गए हैं। 93 पोस्ट हैं टर्नर की, इसके लिए भी आपको 10वीं के साथ ITI होना जरूरी है। अब आप बात करते हैं इसके लिए फीस जो है वो मात्र जर्नल के लिए कैटेगरी के अनुसार फीस मांगी गई है 150 और 100 रुपये, फीमेल ओनली हरियाणा के लिए 75 और 50, यदि आप SC BC EWS हैं हरियाणा स्टेट से तो मेल के लिए 35 और 25, फीमेल के लिए 18 और 13 रुपये निश्चित किए गए हैं। केवल नॉर्मल फीस के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जिसमें 10वीं से लेकर के ITI से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक के इसमें पद हैं। पहली पद थे जो पहली भर्ती थी वो थी हरियाणा में। अब अगली भर्ती आती है जो दूसरी बड़ी भर्ती है, उसके लिए हम बात करेंगे। वो भर्ती आई है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट में, जुडिशल डिपार्टमेंट में। इसके लिए आपको जुडिशल डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट में ये भर्ती है। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो ग्रेड पे है वो 14600 रुपये है, जो फिक्स आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड के अनुसार मिलने वाला है। उसके बाद में 20800 से लेकर के 65900 रुपये जो L5 लेवल है उसके अनुसार आपको पे लेवल मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन योग्यताएं हैं पद हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको 5 डिपार्टमेंट में नौकरी करने का मौका है, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इनमें 5 डिपार्टमेंट्स में आपको कोई भी आपको ऑप्शनल चूज करने हैं कि इन 5 डिपार्टमेंट में आपको प्रेफरेंस के अनुसार आपको नौकरी मिलने वाली है, यानी आपका प्रेफरेंस किस हिसाब से है उसी हिसाब से आपका जॉब जो है वो मिलने वाला है। इसके लिए जो योग्यता है वो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन पास हैं कोई भी लाइन इंडिया या फिर आप इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो एज है वो 18 से लेकर के 40 साल है, जो 1/1/2021 को मेजर की जाएगी, 1/1/2021 को मापते हुए 18 से लेकर के 40 साल आपकी एज है। जो एज में छूट है वो ही अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम अनुसार, भारत सरकार के नियम अनुसार जो एज में छूट है वो दी गई है। इसके लिए जो आपको परीक्षा शुल्क है वो जनरल, EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग इनके लिए 500 रुपये है और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 350 रुपये जो है फीस निर्धारित की गई है। अब बात आती है परीक्षा के लिए, इसके लिए आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का जो एग्ज़ाम है कुल 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स में आपको सोल्व करने हैं। इसके लिए जो सिलेबस है वो हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जो नॉर्मल सिलेबस होता है वो ही सिलेबस है। बात आती है ऑनलाइन आवेदन करना 30/3 से लेकर के 27/4, 30 मार्च से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 27 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को 5:30 बजे तक 27 अप्रैल को इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात आती है कितने पदों पर ये भर्ती हो रही है, तो दोस्तों ये जो भर्ती हो रही है ये कुल आपको बता दूँ, ये जो भर्ती है वो लगभग 1700 के लगभग जो भर्ती है वो कुल पद इसमें ये पद हैं 333, 115, 172, 46, 146, 26, 43, 31, 70, 17 और 0। इस प्रकार से कुल लगभग ये 760 पद जो बनते हैं
इनके ऊपर ये भर्ती हो रही है, जिसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया है। नॉन टीएसपी में आप किसी भी क्षेत्र से भर सकते हैं और टीएसपी एरिया में राजस्थान के 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट निश्चित किए गए हैं, आप उन्हीं में ये फॉर्म टीएसपी वाले भर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पोस्ट हैं वो नॉन टीएसपी एरिया की हैं। आप इसके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी चूज किए गए हैं, यदि आप डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस भी भर सकते हैं, जो आपके लिए 32 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें पोस्टों का डिवाइडेशन भी अलग अलग निश्चित किया गया है। इस प्रकार से यदि कुल पद निकाले जाएँ टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी और डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से, तो ये लगभग 1056 प्लस 391 157, इसके लगभग ये 1960 के लगभग जो हैं ये पद हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। 1760 थे हरियाणा में, 1960 है राजस्थान में। दूसरी बड़ी भर्ती है, ये भी एक अच्छा खासा मौका है और इसकी लास्ट डेट जो मैंने आपको बता दी है 27 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरी जो बड़ी भर्ती है वो दोस्तों दिल्ली DDA रिक्वायरमेंट में ये भर्ती निकली हुई है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक है, आप इस फॉर्म को 30 अप्रैल तक भर सकते हैं और ये 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसकी जो फीस डिपॉजिट है वो 4 मई तक है, यानी आप 4 मई तक भी आप इस फीस को जमा करा सकते हैं। इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर निकला हुआ है जिसमें PhD मांगी गई है, इसके लिए हायर क्वालिफिकेशन है PhD लेवल 11, जो पे मैट्रिक्स है वो इसके लिए आपको मिलने वाला है। अगले पद हैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, इसके लिए बैचलर डिग्री इन प्लानिंग सिविल इंजीनियर मास्टर डिग्री हो ज्योग्राफी में, ये इसके लिए मांगा गया है और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री प्लानिंग में या फिर आर्टिकल्चर में, सिविल में, मैकेनिकल इंजीनियर में या म्यूनसिपल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा गया है। अगले पद है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके लिए MBA MTech कंप्यूटर साइंस में या IT में मांगा गया है, जो फर्स्ट डिवीजन के साथ होना जरूरी है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपको CA मांगा गया है या CS मांगा गया है, यदि आप CA और CS हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक अच्छा खासा मौका है DDA के साथ फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर की नौकरी करने का। अगला है प्लानिंग असिस्टेंट, इसके लिए बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्टिकल्चर होनी चाहिए। SO है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वर के लिए, इसमें डिप्लोमा इन 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्विंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, जो सर्वेयर की पोस्ट है इसके लिए आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के तहत। यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगले पद है स्टेनोग्राफर के लिए, इसके लिए केवल आपको 12वीं पास होना जरूरी है और आपको स्किल टेस्ट की जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 50 वर्ड और 60 वर्ड ये मांगे गए हैं, जो डिजायरेबल होता है मिनिमम वो आपके लिए इसके लिए क्वालिफाई मांगा गया है। अगली पोस्ट है पटवारी के लिए, इसके लिए आपको ओनली ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं पटवारी के लिए। इसके लिए जो एज है वो 21 से लेकर के 27 साल मांगी गई है और इनमें पोस्ट हैं वो दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट हैं, इसमें 44 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट, इसके लिए आपको केवल 12वीं पास और 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए कुल 292 पद हैं और 18 से 27 साल की जो एज है वो मांगी गई है। अगली पद आती है माली के लिए, इसके लिए दोस्तों केवल 10वीं पास यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो एज है वो 18 से लेकर के 25 साल मांगी गई है, यानी आप 18 से लेकर के 25 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल इसके लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और लीगल असिस्टेंट के लिए आपको लॉ होना चाहिए, लॉ में आपके लिए डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, लॉ ऑफ जो इंडियन लॉ है उसके लिए आपको डिप्लोमा या डिग्री मांगा गया है। इसके लिए कुल 7 पद हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके लिए हमें क्या फीस निश्चित की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो फीस है वो भी एक निश्चित फीस जो है वो आपको जो है DDA डिपार्टमेंट में आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी, जो ऑनलाइन आपको डिपॉजिट हो सकती है, आप ऑनलाइन इस फॉर्म को पे कर सकते हैं। इसके लिए जो 500 रुपये फीस है वो निश्चित की गई है, ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट हर कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। इसके लिए जो 500 रुपये है वो अप्लीकेशन फ़ी निश्चित की गई है, मोड ऑफ अप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन आप डिपॉजिट करा सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन है वो टेस्ट के हिसाब से होने वाला है और टेस्ट हैं वो 2 आवर्स में, आपको 120 क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू जो आपकी पोस्ट हैं उसके पोस्ट के अनुसार आपका पेपर होने वाला है। यदि आपको
आप यदि फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर की भर रहे हैं तो आपका उसी हिसाब से टेस्ट का जो लेवल है वो होगा। यदि आप माली के पद भर रहे हैं तो आपका माली के हिसाब से लेवल होगा। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट है मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल 40%, एस सी 30%, एस टी 30 और ओबीसी 35% है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक है। आप इस फॉर्म को 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा मौका है नौकरी पाने का, क्योंकि अप्रैल माह में तीन बड़ी भर्तियां आ चुकी हैं जो मैंने आपको डिटेल्स के साथ शेयर कर दी हैं। फिर भी इन भर्तियों से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आपने वीडियो यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। वीडियो को बिल्कुल जरूर जरूर लाइक और शेयर करें, आपका सहयोग ही हमें सपोर्ट करता है। तो आपका जो लाइक है उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।